अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आप लोग बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी देख रहे हैं, आलू की मां शिमला मिर्च, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। तो इस रेसिपी को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो और ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले सारी जो वेजिटेबल्स हैं, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च और आलू, इन सबको कट करके रख लिया था। और इनकी क्वांटिटी जो है वो मैं आपको साथ साथ रेसिपी की है वो बताती जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कीमा ले लिया था, और साथ में मैंने ले लिए थे ये, अच्छा ये मैंने आटा लिया हुआ था साथ में गूंदने के लिए, कि चलो जब तक उसकी भुनाई होगी तो मैं साथ में ये वाला काम भी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने प्रेशर यूज़ किया था। आप लोग चाहें तो देगची वगैरह में, किसी पैन वगैरह में भी पका सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपने इसको प्रेशर ही लगाना है, क्योंकि कीमा, शिमला मिर्च, आलू तो आराम से गल ही जाते हैं। बस मुझे थोड़ी जल्दी थी, और वैसे भी ज़्यादातर मैं प्रेशर ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसमें ही पकाया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, हाफ़ कप ऑयल लिया था, और उसके अंदर मैंने प्याज जो है वो, मेरे पास दो दरमियाने साइज़ की प्याज थी, तो वो मैंने उनको बहुत अच्छा फ़ाइन चॉप कर लिया हुआ था। और आपने इनको फ़ाइन चॉप ही करना है, क्योंकि कीमा जो होता है ना उसमें थोड़ा सा फ़ाइन चॉप जो प्याज होती है ना वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन। तो कीमा जो है मेरे पास वो बीफ कीमा है, और साथ में मैंने जो कीमा है ना वो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा जैसे हाथ का किया होता है ना कीमा बना होता है, थोड़ा मोटा मोटा वैसे था वो, तो ताकि उसके वो थोड़े थोड़े पीसीस आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं साबुत गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मेरे पास है एक दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का, और दो बड़ी इलायची, और 4 से 5 लौंग ली थी मैंने, और एक बादियान का फूल। तो बस ये मैंने ऐड कर दिया, और साथ ही मैंने जो है ज़्यादा वेट नहीं किया, बस मैंने कीमा साथ ही इसमें डाल दिया था। अच्छा, कीमा जो था ना वो मैंने डीप रोस्ट के लिए निकाला हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रह गया था, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया था कि वो साथ साथ पकते हुए खुद ब खुद खुल जाएगा सारा। तो यहाँ पर मैं अब लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ, मैंने 1 टेबल स्पून फुल ऐड किया था भर। और बस ये डालने के बाद मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक साथ, और जो है अच्छे से फ्राई करेंगे इन्हें एक साथ, ताकि जो है इन दोनों की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो साथ साथ जो है वो कीमा इसके अंदर ही डीप रोस्ट भी हो जाएगा। तो बस ये मैं इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद जो है अब इसमें मैं नमक भी ऐड करूँगी, और नमक अभी इस पॉइंट पर जो है मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया था, और बाकी जो नमक है वो मैं प्रेशर लगने के बाद एंड पे बिल्कुल डालूंगी। तो वो फिर ये होता है कि आप उस हिसाब से जो सालन की क्वांटिटी होती है और आपने जितनी ग्रेवी रखी होती है उस हिसाब से फिर मैं नमक जो है वो डाल देती हूँ। तो शुरू में मैं पहले हमेशा जो है वो कम ही रखती हूँ, तो ये टिप आप भी यूज़ कर सकते हैं कि शुरू में आप भी कम रखा करें, और एंड पे बिल्कुल जब प्रेशर लग जाए करें या दम पे आप रखने लगें तो उस टाइम पे नमक जब अपने हिसाब से डाल लिया करें। तो यहाँ पे जी कीमा अच्छे से फ्राई हो गया था, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था, और पानी मैंने जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, 1/2 ग्लास ऐड किया था। और यहाँ पे मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने डाला है अजवाइन, पहले डाली है 1 चुटकी, और कलौंजी डाली है 1 से 2 चुटकी, और ये मैंने साबुत धनिया का कूटा हुआ साबुत धनिया डाला है मैंने 1.5 टीस्पून, और ज़ीरा डाला मैंने साबुत 1 टीस्पून, गरम मसाला डाला है मैंने 1/2 टीस्पून, और काली मिर्च डाली है मैंने बहुत थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून आप समझ लें। और मैंने इसमें जो है ना लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं था किया, तो आप लोग ज़रूर ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जितना आपको स्पाइसी पसंद हो। साथ ही मैंने हल्दी भी डाल दी थी इसमें, हल्दी मैंने जो है वो 1 टीस्पून डाली थी, 1 टीस्पून नहीं बल्कि 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम थी, तकरीबन 1 टीस्पून थी। तो बस ये स्पाइसेस साथ ही डालने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे, जो कि मैंने ऐसे ही बस चॉप किए हुए थे, फ़ाइन चॉप नहीं थे किए हुए। तो बस ये मैंने डाल दिए इसके अंदर, और साथ ही मैंने एक ही हरी मिर्च ली थी, आप ज़्यादा भी हरी मिर्च की क्वांटिटी कर सकते हैं। और साथ ही मैंने आलू भी डाल दिए थे, आलू मैंने 3 से 4 लिए थे दरमियाने साइज़ के, और आप चाहें तो आलू के पीसीस को और छोटा भी कर सकते हैं। तो बस ये डालने के बाद मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आलू वगैरह जो होता है ना वो शुरू में डालने से पहले उसका एक टेस्ट अच्छा सा डिवेलप हो जाता है, वरना वो बिल्कुल फीके फीके लगते हैं बिल्कुल एंड पे डालने से।
तो बस ये मैंने इनको जब अच्छे से फ्राई कर लिया था, तो मैंने अब जब प्रेशर लगाने लगी हूँ तो मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है, और साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। पानी मैंने इसमें एक से 1.5 गिलास ऐड किया था, और थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी इसलिए भी ऐड किया क्योंकि मुझे एंड पे थोड़ा सा पानी रखना है, मुझे थोड़ा सा ना इसको शोरबे वाला बनाना है। सालन के लिए मैंने थोड़ा सा रखा था पानी ज़्यादा। तो अगर आपको बिल्कुल भुना हुआ और बिल्कुल ड्राई फॉर्म में चाहिए तो आप पानी कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि पानी कम क्वांटिटी में भी होगा तब भी ये चीज़ें जो हैं वो प्रेशर में जल्दी गल जाएंगी। तो यहाँ पे ये सब डालने के बाद मैंने इस पॉइंट पे देखे नमक जो है वो डाल रही हूँ, और बस ये नमक मैंने डाल दी है अपने हिसाब से सारी क्वांटिटी को देखते हुए। और बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और बस यहाँ पे मैंने प्रेशर जो है वो लगा दिए, और ये बस प्रेशर लगा था इनको 7 to 10 मिनट्स लगे थे, क्योंकि उसमें आलू भी फिर जल्दी जो है वो गल चुके थे, और साथ साथ मैंने प्रेशर के आटा भी गूंद लिया था, और साथ जो है वो मैंने सैलेड भी बना लिया था। तो ये देखिए मैंने प्रेशर खोल दिए, तो अभी भी थोड़ा सा इसमें पानी है, लेकिन मैं इसको ड्राई बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये ऐसे ही चाहिए। तो बस मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ, और ये देखिए मैंने ये चेक किया तो ये आलू जो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं, तो आपको मज़ीद और कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और बस यहाँ पे मैंने जो हरा धनिया चॉप करके रखा था वो मैंने डाल दिया। कुछ लोग हरा धनिया बहुत ज़्यादा भी डालते हैं और कुछ लोग बहुत थोड़ा डालते हैं, तो ये आपके ऊपर ही है, आपको जैसा पसंद है आप डाल लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बस हरा धनिया बिल्कुल तब डालना चाहिए जब खाना जो है वो पक चुका हो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला डाला था बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून, और ये मैंने साबुत जो है ज़ीरा, बल्कि कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास भुना हुआ, वो मैंने इसमें डाल दिया था, वो भी 1/4 टीस्पून ही डाला था। और बस यहाँ पे मैं इसको जो है कवर करके रख दूँगी। यहाँ पे मुझे नमक फिर से थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे और ऐड कर दिया था प्रेशर के बाद भी। तो बस वही बात है कि नमक जो है वो आप एंड तक चखते रहा करें, और शुरू में आप कम ही डाला करें और एंड पे चखा करें। अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर कम करना मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे अब मैं साथ साथ ये मैंने सैलेड भी निकाल लिया जो कि मैंने साथ साथ प्रेशर के बना लिया था, और बस साथ मैंने ये तवा वगैरह भी रख दिया था क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था, तो मैंने साथ साथ जो है वो रोटी भी बना ली थी। और बस यहाँ पे मैंने इसको कवर करके रख दिया, और बस ये 2 मिनट कवर करके मैं इसका फ्लेम ऑन रखूँगी धीमी आंच पे, और ये बस डन है कीमा आलू शिमला मिर्च। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो और ये रेसिपी अच्छी लगी आज की तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एंड आई होप कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।